हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? प्रतिविधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे कि हम छोटी सी हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं रात को। जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजमान होते हैं, रात को उनको शयन दिलाना जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छोटे बच्चे की तरह होते हैं हमारे ये गोपाल जी, और इनकी सेवा भी होते हैं छोटे बच्चों की तरह ही। तो शाम का वीडियो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करके रखा था, जब मैं दूध का भोग लगाती हूँ, दिया जलाती हूँ, और ये उसके थोड़े देर बाद का आपको दिखाती हूँ। दूध तो मैं निकाल लिया यहाँ से, और जो बर्तन वगैरह है वो सारे, जैसे दिया वगैरह हो गया, जो भी यहाँ पे ठाकुर जी के जो भी बर्तन रहते हैं ना, ये मैं रात को ही हटा लेती हूँ। कभी टाइम मिले तो रात को ही धो के रख देती हूँ, नहीं तो सवेरे उठ के धोती हूँ। और ठाकुर जी के यहाँ पे खजूर का, ड्राई फ्रूट्स का एक छोटा सा भोग तो मैं रात को ज़रूर लगा देती हूँ। और इसके बाद जो इनके माला वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं यहीं ऊपर में ही इनके जो बैठने के जगह है यहीं टांग देती हूँ। और ये एक तुलसी की माला है, छोटा सा मैं लेके आई थी ठाकुर जी के लिए। गर्मियों में तुलसी का हमेशा देखा जाता है कि सूख जाता है, बहुत कम पत्तियाँ रहती है, डेली नहीं तोड़ पाते हैं। तो इस केस में आप इस तरह का तुलसी की माला रखें, इससे आपको भोग लगाना, जल लगाना कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो आराम से आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये कुछ वस्त्र है जो मैंने ऑनलाइन भी लिया था, तो ये बहुत अच्छा रहता है रात को पहना के सुलाने के लिए। तो पजामी और ऊपर का जो नाइट सूट होता है ना, बेसिकली ये नाइट सूट टाइप का ही है, तो ये पहना देती हूँ ठाकुर जी को। क्योंकि जो ड्रेस वो पहन के बैठते हैं दिन भर, मैं कोशिश तो करती हूँ कि हल्का ड्रेस ही पहनाऊँ, लेकिन किसी किसी दिन फिर भी मन करता है कि थोड़ा सा सजा लूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा हैवी ड्रेस हो जाता है, तो रात को मैं चेंज कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से ठाकुर जी को हमने ड्रेस चेंज कर दिया है। अब एक रुमाल मैं हल्का सा रखती हूँ, तो ये रुमाल बताती हूँ क्यों रखती हूँ। तो ठाकुर जी को ना सोने से पहले थोड़ा सा जल पिला देना चाहिए, और अगर आपने कहीं श्रृंगार करके रखे हैं, चंदन वगैरह लगा के रखे ना, तो वो सारे चीज़ें अच्छे से पोंछ दे, मुंह पोंछ दे, हाथ पैर पोंछ दे, और फिर ठाकुर जी को सुला दे। तो देखिए, ये छोटे छोटे तकिया है जो पैर के नीचे रखने के लिए है, पर ये कलर थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना वाइट कलर का छोटे छोटे ऐसे ही तकिया जो है ना बना लूँ, जिससे ठाकुर जी को पैर के नीचे ऐसे लगा रख देंगे ना, तो बड़े आराम से सो जाएंगे। कितनी छोटा सा बाबू है आप देख सकते हैं। और ये है एक चंदन का इत्र, बहुत ही ज़्यादा सुंदर खुशबू है इसकी, बहुत प्यारा है ये। और इत्र क्या होता है बहुत लोग पूछते हैं, तो देखो परफ्यूम में ना बहुत सारा अल्कोहल रहता है, इत्र में अल्कोहल नहीं रहता है, क्योंकि भगवान को जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो उसमें अल्कोहल फ्री चीज़ें होनी चाहिए। तो बस इतना ही फ़र्क होता है, खुशबू रहती है बहुत ही बढ़िया। सैंडल का लगा रही हूँ क्योंकि गर्मी के दिन है, तो चंदन वाला खुशबू वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और ठाकुर जी को लगाने के बाद ना पूरा घर भी महकता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इनके पैरों में, हाथों में और मस्तक में लगा दूंगी, इससे ना खुशबू आती रहेगी और नींद भी बहुत अच्छा से आ जाएगा। और ये है हमारी छोटी सी राधा रानी, इनका भी मैंने पोशाक चेंज कर दिया है। दोनों का पोशाक चेंज करने के बाद अब इस तरह से इनको भी पानी पिला देंगे। कई सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि राधा रानी की सेवा कैसे होती है, तो लड्डू गोपाल के जैसे सेवा होती है, सेम वैसे ही लड्डू गोपाल के जैसे ही राधा रानी की सेवा होती है। राधा रानी के प्रिय भोग आप कभी कभी बना सकते हैं, बाकी सब सेम ही रहता है, बस श्रृंगार थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि लड़कियों का श्रृंगार लड़कों का श्रृंगार थोड़ा सा अलग होता है। बस जैसे हमारी जो अगर दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, जैसा मेरा ही है मान लो, तो दोनों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एज ए मदर, माँ के हिसाब से मैं दोनों का एक ही तरह से खाना पीना रहना, वस्त्र वगैरह, कभी कपड़े लेना होगा तो दोनों के लिए लूँगी, कुछ इस तरह से सेवा होती है। और दोनों को देखो सुला दिया, अब राधा रानी को भी हाथ के नीचे एक तकिया लगा दूँ और इसी तरह से सुलाती हूँ। देखो बहुत बड़ा नियम तो मैं लेती नहीं हूँ, और कितने बड़े बड़े तकिया बनाए हैं, अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि जो नियम मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई रहती है, वो हमेशा समय नहीं दे पाता है, तो सारी चीज़ें मुझे करना पड़ता है। तो हर चीज़ अगर देखो आप उतना ही नियम लो जितना आप कंटिन्यू कर सकते हो। और ये ठाकुर जी की बांसुरी है, ये इनकी सिर के सामने मैं रख देती हूँ। वैसे ना अगर कोई आपके बहुत भयानक सपना आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है ना नींद में, कभी आपको अनइजी फील हो रहा है ना, तो आप भी ठाकुर जी की बांसुरी अपने सिर के सामने तकिया के नीचे रख के सो सकते हैं। अब देखो ये पानी जो है ना ढक के रख दूंगी, और इत्र वगैरह जो मैंने निकाला था, ये सारे इत्र, कपड़े, जो भी सामान इनका मुंह पोछने का लिए जो ये रुमाल है,
ये सारी चीज़ें मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी। ये कपड़े कल पानी से धो दूँगी और सिंपल पानी से धोती हूँ मैं, और सुखा लेंगे, फिर परसों या कभी और बाद में पहन लेंगे ठाकुर जी। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ना रूटीन रहती है। अब ठाकुर जी सो गए हैं तो थोड़ी देर में मैं लाइट वाइट ऑफ कर देती हूँ यहाँ का। और मंदिर में सभी भगवान को सुलाते कैसे है, तो देखिए मंदिर में सभी भगवान को इस तरह से सुलाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी जो मेरा मंदिर पहले था उसमें कोई पर्दे वगैरह नहीं था, तो लेकिन अभी मैंने इस तरह से पर्दा कर दिया है। तो मंदिर में रात को मैं पर्दा कर देती हूँ, जब तक दिया जलता है तब तक नहीं करती हूँ, जब दिया ठंडा होता है उसके बाद। तो इसी तरह से मंदिर में भी सभी भक्त देव देवियों को बस हाथ जोड़ करके आग्रह करती हूँ कि आप भी सो जाओ। तो ये एकदम से सिंपल सादा नियम है मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी का सुलाने का। आप लोगों को आज की वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।